नमस्कार आदाब, मैं हूँ सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रमजान का महीना अब शुरू हो चुका है और अब आप सभी को रमजान मुबारक। जैसे कि हमने आपको खबर दिखाई थी, मुमरा के सैनिक नगर में एक कारखाने में जो आग लगी थी और इस दौरान कारखाना चलाने वाला खुर्शीद अहमद कुरैशी ने आग लगाने का इल्जाम अपने एक रिश्तेदार अहमद पर लगाया था। आपको बता दें, अहमद और खुर्शीद का पारिवारिक विवाद काफी दिनों से चल रहा था और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और दोनों के परिवार के लोग अपने आपको बेकसूर बताते हैं। बहरहाल, जिस रात में आग लगी थी उसी दौरान खुर्शीद अहमद कुरैशी ने अपने साले अहमद पर कारखाने में आग लगाने का इल्जाम लगाया था, मगर इस आरोप को अहमद ने गलत बताया। यानी अहमद का कहना है, मैंने खुर्शीद के कारखाने में आग नहीं लगाई है। मगर इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कारखाने में आग लगाते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। हालांकि सीसीटीवी में दिख रहा व्यक्ति कौन है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्ति अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। ये तस्वीरें देखें किस तरह से ये व्यक्ति पहले पर्दा हटाकर पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल रहा है, उसके बाद आग लगा दी। देखें ये सीसीटीवी फुटेज। बहरहाल, ये आग लगाने वाला व्यक्ति कौन है इसकी जांच तो नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में ही सारी सच्चाई पता चलेगी। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।